केरला के कस्तूरबा बालिका छात्रावास में बालिका की संदिग्ध मौत के बाद तहसील क्षेत्र के आश्रम और छात्रावास के औचक निरीक्षण को लेकर कलेक्टर पंकज जैन के निर्देश के बाद एसडीएम राहुल चौहान ने रविवार की रात्रि में रिंग रोड के आदिवासी बालक एवं बालिका आश्रम का औचक निरीक्षण किया। बालिका आश्रम में तो चीजें व्यवस्थित मिली, वहीं बालिका आश्रम के निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिली। एसडीएम राहुल चौहान ने बताया कि रविवार की रात्रि में करीब 9 बजे आदिवासी बालक एवं बालिका आश्रम का निरीक्षण किया गया। बालिका आश्रम में लड़कियां पढ़ाई करती हुई मिली। एसडीएम ने बालिकाओं से चर्चा की, भोजन एवं अन्य चीजों के बारे में चर्चा की। वहीं रसोई घर के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई भी मिली। एसडीएम ने खाद्य सामग्री भी देखी। वहीं इसके बाद बालक छात्रावास का निरीक्षण किया तो मौके पर छात्रावास अधीक्षक ही नहीं मिले। एसडीएम ने रसोई घर का निरीक्षण किया जहां पर साफ सफाई के साथ खाद्य सामग्री भी मापदंड के अनुसार नहीं मिले। एसडीएम ने बीईओ को छात्रावास अधीक्षक पर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्देश दिए। एसडीएम राहुल चौहान ने बताया कि इसी तरह अन्य स्थानों पर संचालित हो रही छात्रावास एवं आश्रमों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। सरदारपुर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट।